साउथ दिल्ली एमसीडी ने नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया, जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने इस विभाजनकारी फैसला बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल साउथ दिल्ली एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्या ने लेटर जारी कर आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि नवरात्र में 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मीट की दुकानें बंद रहने वाली। नवरात्र में किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसी के लिए आदेश जारी किया, क्योंकि नवरात्रों में मंदिर जाते वक्त रास्ते में मीट की कई दुकानें खुली रहती हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं पर असर पड़ सकता है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए नवरात्रों के दिनों में मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश साउथ दिल्ली में ये जारी कर दिया गया है। लोगों की भावनाएं थी, लोगों का विचार था कि ड्यूरिंग नवरात्रा जब हम अपने घरों में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उसको भी बैन कर देते हैं, और 99% दिल्ली में लहसुन प्याज यूज नहीं होता नवरात्रों के दौरान। ये पाक महीना है, इसमें लोग रमजान भी है, इसमें नवरात्रे भी हैं, माँ दुर्गा के रूप भी हैं, तो हमने ये फैसला लिया है कि जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो नवरात्रों के दौरान में दिल्ली के अंदर हमारी साउथ एमसीडी में कोई भी मीट शॉप पे काम नहीं होगा, कोई मीट शॉप नहीं खुलेगी। जो नहीं इस हमारे ऑर्डर को फॉलो करेगा उसको हम फाइन भी करेंगे, और आगे से मैं इस पॉलिसी में भी अमेंडमेंट हम लेकर आ रहे हैं। जब भी कोई नया लाइसेंस हमसे लिया जाएगा या कोई नया लाइसेंस के अप्लाई करेगा, इवन पुराने लाइसेंस में भी हम ये कंडीशन के साथ में करेंगे, ड्यूरिंग नवरात्रा आपको दुकान मीट शॉप चिकन की दुकानें बंद रखनी पड़ेंगी, उस दौरान आप कोई चिकन और मटन नहीं बेचेंगे, तो लाइसेंस की पॉलिसी में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब दिखाते हैं आपको कि साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्या ने अपने लेटर में क्या कहा है, उसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या क्या है, ये करके आपको दिखाते हैं। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मीट की दुकानें बंद हो जाएंगी, और खासतौर पर जो मंदिर जाने वाले लोग हैं वो मीट की दुकानों के सामने से गुजरते हैं। धार्मिक मान्यताएं और भावनाओं के आधार पर असर होगा, और इसी आधार पर नवरात्र में मीट बिक्री से लोग असहज हो सकते हैं। नवरात्र में 90% घरों में प्याज और लहसुन से परहेज किया जाता है, और इसी के बीच में यह अपील भी की कि दिल्ली सरकार भी नवरात्रों के बीच में शराब की दुकानें भी बंद कर दे, और इसी के आधार पर अभी तक का यह फैसला मीट की दुकानों को बंद करने का लिया गया है। तो यह फैसला लिया गया, तो वहीं शिवसेना सांसद और वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत ने इस फैसले पर सवाल उठाए, और सवाल उठाते हुए कहा कि साउथ दिल्ली एमसीडी का यह फैसला विभाजनकारी है। अरविंद सावंत से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। हमारे साथ हैं शिवसेना के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत। अरविंद सावंत जी, जो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने बाकायदा जो मीट शॉप है नवरात्रा के लिए उस पर बैन लगा दिया है, रोक लगा दिया, तो किस तरह से आप देखते हैं? मुझे लगता है कौन क्या खाए इसके ऊपर कोई निर्बंध नहीं लगाना चाहिए। ये जो नवरात्रि क्या सिर्फ साउथ दिल्ली में, बाकी दिल्ली में नहीं है? तो ये जो डिवाइड वाली जो विभाजनकारी जो विचार एक एक के मन में आ रहे हैं ना, उसकी भी निर्भर से न करता। हम भी नवरात्रि होते, हम भी भगवान को मानते, हम भी देवी को मानते, देवता मानते, तो ये हम क्या खाए उसके ऊपर। हाँ, मंदिर के एकदम नज़दीक कोई है तो बोल सकते भैया मंदिर के नज़दीक पर काटो, इतना मैं समझ सकता हूँ। ये क्या बात है, कौन क्या खाए उसके ऊपर निर्बंध आप लगाएंगे, और ठीक नहीं लगता, ये एकदम गलत है। ये हमारा काम नहीं, ना हमारे किसी भगवान ने कहा, ना हमें किसी धर्म ने कहा। लेकिन आदेश की बात, क्या साउथ दिल्ली में मीट की दुकानें बंद हुई हैं, और आदेश से मीट दुकानदारों की राय क्या है, उनसे बात की हमारे सहयोगी हर्षा चंदवानी ने। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में जितने भी इलाके पड़ते हैं, सभी इलाकों में जब तक नवरात्र संपन्न नहीं हो जाते हैं तब तक कोई भी मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी, ऐसा आदेश दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्या ने दिया है। और इस आदेश के बाद जहां जहां भी, यानी कि साउथ एमसीटी में पड़ने वाले जितने भी इलाके हैं, सब में धीरे धीरे करके जो मीट की दुकानें हैं उन पर काम बंद हो चुका है। कई इलाकों में दुकानें बंद कर दी गई हैं। इस वक्त मैं दाबड़ी मीट जो पूरी मार्केट है वहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सारी की सारी मीट की दुकानें हैं जिनमें काम बंद पड़ा है। दुकान तो खुली है लेकिन काम किसी भी तरीके का इन दुकानों में नहीं हो रहा है, और इस मीट मार्केट में जितने व्यापारी है इससे जुड़े हुए उनसे ही सीधा बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? नवीन गुप्ता। नवीन जी, तो आपकी भी मीट की दुकान है? नहीं, मेरी मसाले की है, मार्केट में हूँ मैं। मार्केट में है, तो जब से ये आदेश आया है आप लोग इस आदेश को कैसे देख रहे हैं? हम तो पूरा तरीके से पहले ही फॉलो करते थे, हम पहले नवरात्र में दुकान नहीं खुलती थी हमारी, और ना मंगलवार को भी हमारी शॉप बंद रहती है। मंगलवार और नवरात्रों में वैसे ही बंद रखते हैं, और बाकी आदेश आया तो अच्छा ही है। जैसे भी हमें पता चला है कि सरकार ने, एमसीडी ने और एमसीडी के मेयर साहब ने ये एक नियम, एक कानून जारी किया है, माता रानी के प्रति सबकी आस्था है, तो हम सब लोगों को और भी बड़ी खुशी हुई है। और जो भी हमारे मेयर साहब ने
साउथ एमसीडी ने जो भी ये नियम जारी किया है, हम सभी लोग मिलकर उसका समर्थन करते हैं। जहाँ पे एक तरफ नवरात्र चल रहे हैं, वहाँ पे रमजान भी चल रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक रोजा करते हैं जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, शाम को इनका रोजा खुलता है, तो कैसे फिर मतलब उनके लिहाज से उनको ठीक लग रहा है ये जो आदेश है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो खाते हैं बाय दे अपने इलाके में तो खुल रहे और खुशी से लोगों ने बंद किया। अगर खाते होंगे तो और कहीं मिलता होगा वहाँ से लाते होंगे, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। और ना किसी को रोजगार, 5 दिन 7 दिन भगवान के नाम पे अगर बंद कर लिए तो अच्छी बात है, कोई प्रेशर नहीं है कि इस तरीके का कि आपको बंद करना है, ये खुशी से लोग बंद किए हैं। ये पूरी मीट मार्केट है दाबरी की जो हम दिखा रहे हैं, तमाम लोगों से बात करके, खासकर जो मीट कारोबारी हैं उनसे बात करके ये सभी जितने मीट कारोबारी हैं इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं, आदेश से खुश हैं। इनका कहना है कि आदेश नहीं आता तो भी नवरात्र में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अपनी मीट की दुकानें बंद कर दिया करते थे, लेकिन चूंकि आदेश आया है तो अब इस आदेश का पालन भी बहुत सहजता से और कुशलतापूर्वक यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ, ये सारी की सारी दुकानें शुरू से लेकर के आखिरी तक अलग अलग नॉनवेज आइटम्स की हैं, कहीं पर कोई भी काम नहीं चल रहा है, सारे दुकानों में जो कारीगर